everyone. So this is the new video, and in this video I'm going to continue the introduction to the Python, and today we will going to discuss the topic data type. And data type जो हम discuss करेंगे that is of Python, और Python के अंदर कितने तरह के data types होते हैं इसके बारे में आज पूरी discussion होगी. इससे पहले भी मैंने introduction to Python के ऊपर कुछ videos बना रखी हैं. अगर आपने वो videos नहीं देखी हैं तो आप please उसको देखिएगा. मैं फिर भी उनको I button पे link कर दूंगी. So before starting this video, I request you all to please subscribe my channel. और अगर आपको ये मेरी video अच्छी लगेगी तो मेरे video को like कीजिएगा. So let's start. सो डेटा टाइप ऑफ पाइथन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि पाइथन के अंदर हम जितनी भी वैल्यू स्टोर करवाएंगे उन वैल्यू का टाइप किस तरह का है वो हम डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंगली स्टडी करने वाले हैं. एवरी वैल्यू बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप इन पाइथन, एंड डेटा टाइप आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा विच अ वेरिएबल कैन होल्ड एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दोज डेटा. इसका मतलब ये है कि जब भी आप पाइथन के अंदर कोई भी डेटा स्टोर करते हैं और उस डेटा को स्टोर करवाने के टाइम पर उसकी कोई ना कोई एक टाइप होती है, वो ये डिपेंड करता है कि जैसी वैल्यू आपने वेरिएबल में स्टोर कराई होगी वेरिएबल का टाइप भी वैसा ही हो जाता है. तो पाइथन के अंदर जो भी वैल्यू हम स्टोर करवाते हैं वो वैल्यू नंबर हो सकती है, वो वैल्यू सीक्वेंस हो सकती है, वो वैल्यू सेट्स में हो सकती है, कोई वैल्यू आपकी मैपिंग के अंदर भी हो सकती है. एक हमारे पास एक जो स्पेशल डेटा टाइप होता है दैट इज नन, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे और मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगी ये सारे डेटा टाइप किस तरह से हम यूज करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो नंबर्स हमारे पास थ्री टाइप्स के हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स. तो इसको देखते हैं. सो नंबर्स डेटा टाइप जो है जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो हमारे पास पाइथन के अंदर कितनी तरह की होती है. सो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास थ्री टाइप की होती है जिसको हम पाइथन के अंदर कोई भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं. तो पहला टाइप इज इंट, जिसके अंदर हम इंटीजर नंबर मतलब होल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं. वो होल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोट. फ्लोट वैल्यूज का मतलब होता है कि हम डेसिमल नंबर्स की बात कर रहे हैं और वो डेसिमल नंबर भी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है. कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब होता है जिसके अंदर कोई एक इमेजिनरी नंबर आता है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हम पाइथन के अंदर स्टोर कर सकते हैं. ऐसी फैसिलिटी पाइथन के अंदर होती है. सो नेक्स्ट डेटा टाइप हम देखते हैं दैट इज बुलियन, जिसको हम बोलते हैं बुलियन डेटा टाइप. और इस बुलियन डेटा टाइप को यूज करने के लिए जो कीवर्ड हम यूज करेंगे दैट इज बुल. तो बुल कीवर्ड की हेल्प से आप बुलियन वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो. बुलियन वैल्यू कौन कौन सी होती है? बुलियन वैल्यू होती है ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू. टी कैपिटल होना चाहिए ट्रू का और फॉल्स कैपिटल होना, फॉल्स जब भी आप लिखेंगे उसका एफ कैपिटल होना चाहिए. ठीक है, तो ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है. ये हमारी नॉन जीरो वैल्यूज होती है. आपने अगर वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कराई है, चाहे वो नंबर वैल्यू है, चाहे वो फ्लोट वैल्यू है या फिर कोई बुलियन वैल्यू है, उस वैल्यू को देखने के लिए आप इंटरेक्टिव मोड को यूज करेंगे या फिर आप स्क्रिप्ट मोड में कोई प्रोग्राम भी बना सकते हैं. और इंटरेक्टिव मोड के अंदर आप एक फंक्शन यूज करेंगे दैट इज टाइप फंक्शन. टाइप फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी वेरिएबल के टाइप को चेक कर सकते हो, उसकी क्लास चेक कर सकते हो कि इंटरनली उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है. ये फंक्शन हमारी हेल्प करेगा. एक बार सारे डेटा टाइप को डिस्कस करने के बाद हम डेटा टाइप को यूज कैसे करते हैं या फिर उनको देखते कैसे हैं उनकी एग्जीक्यूशन मैं टाइप फंक्शन के साथ आपको करके दिखाऊंगी. सो पहले सारे डेटा टाइप जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट डेटा टाइप जो हमारे पास है दैट इज सीक्वेंस. सीक्वेंस का मतलब होता है कि जब आप एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करवाते हो. अ पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन. ऑर्डर्ड कलेक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी एक कुछ इंडेक्सिंग वैल्यू होती है जो पर्टिकुलर ऑर्डर से ही स्टार्ट होती है और ऑर्डर पे ही खत्म होती है. इंडेक्स वैल्यू के कारण ही हम सीक्वेंस को एक ऑर्डर्ड कलेक्शन बोलते हैं. उसके अंदर आप बहुत सारी आइटम स्टोर करवा सकते हो. इट मीन्स एक वेरिएबल के अंदर आप बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो. पाइथन में कितनी सीक्वेंस आप क्रिएट कर सकते हो? तीन तरह की सीक्वेंस हम क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट इज स्ट्रिंग, सेकेंड इज लिस्ट एंड थर्ड वन इज टपल. तो स्ट्रिंग को देखेंगे. स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. जब आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ कंबाइन कर देते हो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं. दीज कैरेक्टर्स मे बी अल्फाबेट डिजिट और अ स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस. आपने जब भी स्ट्रिंग को लिखना है स्ट्रिंग के अंदर आप कोई भी अल्फाबेट दे सकते हैं,
कोई भी डिजिट दे सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हैं, इवन आप कोई स्पेस भी दे सकते हैं, पर आपको डबल कोट्स लगाने होते हैं. स्ट्रिंग वैल्यू आर इनक्लोज्ड आइदर इन द सिंगल कोटेशन मार्क्स और इन द डबल कोटेशन मार्क. आप डबल कोटेशन मार्क्स में भी डिफाइन कर सकते हो, सिंगल कोटेशन मार्क्स में भी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हो. डबल कोट्स जो होते हैं वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होते हैं. स्ट्रिंग के अंदर आपको जो डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर वैल्यू लिखेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग. जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हैं ए इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में लिखा है हेलो और फिर डबल कोट्स में लिखा है हेलो. तो ये दोनों ही हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है. कोटेशन मार्क आप कोई भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी एरर नहीं आती है. नेक्स्ट इज लिस्ट. लिस्ट क्या होता है? लिस्ट हम कह सकते हैं लिस्ट आर द सीक्वेंस ऑफ आइटम्स, और ये आइटम को सेपरेट करने के लिए हम कॉमास को यूज करते हैं. इसमें इसका मतलब ये है कि आप एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू के बीच में अगर सेपरेशन करेंगे तो कॉमा लगाएंगे. लिस्ट को बनाने के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का ही आप यूज करेंगे. अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट खाली रखे हैं तो इसका मतलब ये कौन सी लिस्ट है, ये एम्प्टी लिस्ट है. अगर आपने अपनी लिस्ट के अंदर नंबर्स को स्टोर किया, वो नंबर डेसिमल भी हो सकते हैं एंड दैट नंबर्स कैन बी इंटीजर नंबर्स, सो दैट लिस्ट इज नोन एज नंबर लिस्ट. और अगर आपने कोई एक लिस्ट क्रिएट की जिसके अंदर आपने एक सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग को स्टोर करवाया है, तो वो लिस्ट आपकी स्ट्रिंग लिस्ट कहलाएगी. एंड व्हेन यू क्रिएट अ लिस्ट इन विच यू इंसर्ट ऑल द टाइप ऑफ वैल्यूज, देन दैट पर्टिकुलर लिस्ट इज नोन एज मिक्स्ड लिस्ट. उस लिस्ट को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड लिस्ट बोलेंगे, जिसके अंदर आप सारी वैल्यूज को स्टोर करवा देते हो. हमेशा ये ध्यान में रखना है कि लिस्ट को क्रिएट करने के टाइम पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना है. नेक्स्ट इज टपल. टपल क्या होता है? टपल भी सीक्वेंस ऑफ आइटम्स भी होता है. जैसे कि लिस्ट हमारे पास होता है सीक्वेंस ऑफ आइटम, वैसे ही होता है. बस यहाँ पे जब भी आपको टपल को क्रिएट करना है तब आपको पैरेंथेसिस को यूज करना है, जबकि हम लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते थे. ये सबसे पहला डिफरेंस है लिस्ट के अंदर और टपल के अंदर. और लिस्ट के अंदर जो भी हमने वैल्यू एक बार स्टोर करवा दी, इसमें लिखा है वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज द आइटम इन द टपल. एक बार जब आपने टपल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवा दी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, जबकि लिस्ट के अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं. इन फ्यूचर मैं लिस्ट और टपल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ. अभी तो हम सिर्फ डेटा टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, फिर उस वीडियो को हम बाद में डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम टपल और लिस्ट को ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. देखिए, जब आपने पैरेंथेसिस लिख दी जिसके अंदर आपने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करी, देन दैट पर्टिकुलर टपल इज नोन एज एम्प्टी टपल. अगर आपने कोई वैल्यू स्टोर करवाई उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर टपल. और अगर आपने कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराई, दैट पर्टिकुलर टपल इज नोन एज स्ट्रिंग टपल. और अगर आपने कोई भी मिक्स वैल्यूज को स्टोर करवा दिया टपल के अंदर, देन दैट पर्टिकुलर टपल इज नोन एज मिक्स टपल. सेम वैसे ही काम करेगा टपल और लिस्ट, बस डिफरेंस इनकी जो ब्रैकेट के अंदर आता है, और प्लस एक लिस्ट का जो नेचर होता है वो म्यूटेबल नेचर होता है. इसका मतलब कि आप उसके अंदर स्टोर की हुई वैल्यू को चेंज कर सकते हो, बट टपल का नेचर जो होता है वो इम्यूटेबल होता है. इट मीन्स अगर आपने उसके अंदर एक बार वैल्यू स्टोर करवा दी, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट इज मैपिंग. मैपिंग क्या होता है? मैपिंग का मतलब होता है कि जब आप कोई अनऑर्डर्ड डेटा स्टोर करवाते हो. अनऑर्डर्ड डेटा का मतलब होता है कि जिसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती है. आपने ऐसा डेटा स्टोर करवाया जिसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं है, और इंडेक्सिंग के बिना ही आप डेटा को स्टोर करवा रहे हो, पर फिर भी वो एक ही पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है. वो किसी ना किसी तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. उस तरह के डेटा टाइप को क्या बोलते हैं, मैपिंग के अंदर आते हैं वो. और हमारे पास डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर मैपिंग को यूज किया जाता है. तो नेक्स्ट देखते हैं डिक्शनरी क्या है. सो डिक्शनरी जो होता है पाइथन के अंदर, उसके अंदर जितनी भी वैल्यू आप स्टोर करवाओगे वो की और वैल्यू का पेयर बनेगा. आपने जो भी डेटा स्टोर करवाना है डिक्शनरी के अंदर वो पेयर की फॉर्म में होता है. और जब भी आप डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे उसके लिए आप ब्रेसिस जो यूज करेंगे, दैट इज कर्ली ब्रेसिस, कर्ली ब्रैकेट को आप यूज करेंगे. डिक्शनरी के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है उसको स्टोर करने के लिए हम जब पेयर बनाते हैं वो इंटरप्रेटर के लिए ईजी होता है डेटा को स्टोर करना और उसको एक्सेस करना. इंटरप्रेटर ईजिली सारे के सारे वैल्यूज को एक्सेस कर पाता है. उसके बाद लिखा है एवरी की सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू यूजिंग अ कॉलन. इसका मतलब जब भी आप एक पेयर क्रिएट करेंगे उसमें की और वैल्यू देंगे, और की और वैल्यू को आपस में सेपरेट करने के लिए हम कॉलन को यूज करेंगे. द की वैल्यू पेयर ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग द की. इसका मतलब किसी भी वैल्यू को अगर आपने देखना है तो उस वैल्यू को आप देखने के लिए उसकी जो की को यूज करेंगे. कीज आर यूजुअली ऑफ स्ट्रिंग टाइप एंड देयर वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप. कीज की जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग टाइप की भी हो सकती है या फिर किसी और टाइप की भी हो सकती है. बस हमें ये याद रखना है कि कीज जब भी आप क्रिएट करेंगे उसका जो नेचर होता है वो इम्यूटेबल होना चाहिए, चेंज नहीं हो सकता है. इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी वैल्यू इन डिक्शनरी वी हैव टू स्पेसिफाई इट्स की इन स्क्वायर ब्रैकेट. जब भी आप की को यूज करोगे, की को यूज करके आप किसी भी वैल्यू को देखोगे, तो उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की को डिफाइन करना पड़ेगा. जैसे कि आपने कोई भी एक डिक्शनरी क्रिएट की और उस डिक्शनरी के अंदर तीन या चार पेयर क्रिएट किए,
और उसमें से किसी भी पेयर की वैल्यू को अगर आप देखना चाहोगे तो उसके लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसकी की को डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल के अंदर देखिए हमने एक डिक्शनरी वन डिक वन क्रिएट किया है। डिक वन के अंदर हमने पेयर कितने क्रिएट किए, पहला पेयर है हमारा फ्रूट एंड एप्पल, सेकेंड है क्लाइमेट कोल्ड एंड थर्ड वन इज प्राइस 120। तो इसके अंदर हमारे पास की कौन कौन सी है, पहला फ्रूट इज अ की, क्लाइमेट इज अ की एंड प्राइस इज अ की, ये तीन हमारे पास की है। वैल्यू कौन कौन सी है, एप्पल कोल्ड एंड 120, ये हमारी वैल्यूज है। अगर हमें किसी भी वैल्यू को देखना है तो किसी भी वैल्यू को देखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे डिक वन, डिक वन इज द नेम ऑफ योर डिक्शनरी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक वन। डिक वन लिखने के बाद अगर हमें एप्पल देखना है तो एप्पल एक वैल्यू है बट उसकी की क्या है, फ्रूट्स, तो हम यहाँ पे फ्रूट्स को किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे फ्रूट्स। फ्रूट्स को आप डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे या सिर्फ सिंगल कोट्स के अंदर लिख देंगे और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और इसको प्रिंट कराने के लिए इससे बाहर आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। और ये जो भी चीज हमने लिखी है डिक और स्क्वायर ब्रैकेट, ये हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो ये हमारी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। वैल्यू हमारी क्या आएगी इस केस में, वैल्यू हमारी आएगी एप्पल, एप्पल प्रिंट हो जाएगा। बाकी ये चीज आपको क्लियर होगी जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। सो आइडल की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और आइडल की स्क्रीन पे हम एग्जीक्यूशन करके देखेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें मैंने ए लिखा है और ए के अंदर है मैं 10 स्टोर करवा रही हूँ। तो ये मुझे पता है कि ये होल नंबर है बट अगर मैंने इसका टाइप चेक करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टाइप और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ए। तो इसकी क्लास हमें नजर आ रही है कि ये एक इंटीजर नंबर है जिसको मैंने चेक कर लिया है। उसके बाद मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगी जिसके अंदर मैं एक बुलियन वैल्यू स्टोर करवा देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू। ट्रू को मैंने कोट्स में नहीं लिखा क्योंकि मुझे नहीं लिखना है, बट टी को कैपिटल करना पड़ेगा। पर अगर मैं इसका टाइप को प्रिंट कराऊं, आप प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली टाइप भी लिख सकते हो इन इंटरेक्टिव मोड। तो मैं टाइप लिखूंगी और मुझे बी का टाइप चेक करना है कि एक्चुअली इसकी क्लास कौन सी है। तो मैंने इसकी क्लास चेक की तो इसकी क्लास आ गई है बुल, दैट मींस बुलियन वैल्यू है ट्रू। उसके बाद हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कुछ वैल्यूज को स्टोर करवा देते हैं, कुछ मिक्स वैल्यू को रखते हैं जिसके अंदर हम कुछ स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं, कुछ डेसिमल वैल्यू दे देते हैं, एक कैरेक्टर वैल्यू दे देते हैं, इस तरह से कुछ वैल्यू देके एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। और अब मैं क्या करूंगी, जो लिस्ट है हमारी ए उसका मैं टाइप चेक करूंगी, टाइप लिख के, और मैं ए लिखकर टाइप चेक करती हूँ और इसका टाइप मेरे पास क्या आ गया, लिस्ट आ गया। उसके बाद अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं यहाँ पे एक टपल क्रिएट करूंगी। टपल के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ए वन और इसके अंदर मैं राउंड पैरेंथेसिस के अंदर कुछ वैल्यू रखती हूँ और वैल्यू फिर मैं मिक्स ही दे रही हूँ और जिससे मुझे ये पता चल जाए कि भाई ये एक्सेप्टेबल है या नहीं, मिक्स वैल्यूज एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है। सो मैंने यहाँ पे कुछ मिक्स वैल्यू दे दी है और मैंने राउंड पैरेंथेसिस को भी बंद कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगी, इसकी टाइप चेक करूँगी, दैट इज ए वन। ए वन को हम चेक करेंगे और इसकी टाइप आ गई हमारी टपल। इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे के सारे वेरिएबल्स मैंने आपको करके दिखा दिए, अब हम करेंगे डिक्शनरी को। डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। सो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया एक वेरिएबल डी, कर्ली ब्रैकेट को कर दिया मैंने स्टार्ट। मैंने यहाँ पे एक ए लिया है की और उसकी वैल्यू दे दी है 10। बी की मैंने क्रिएट की है, उसकी वैल्यू मैंने दे दी है 20। एक मैंने सी की क्रिएट की है और उसकी वैल्यू मैंने दे दी है 30 और कर्ली ब्रैकेट मैंने स्टार्ट की है। सो यहाँ पे हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। मैं अगर इसका टाइप को प्रिंट कराऊं, मैं प्रिंट स्टेटमेंट के साथ भी एक बार करके दिखा देती हूँ। अगर आपको प्रिंट के साथ टाइप ऑफ डी प्रिंट करानी है तो वो क्या आ रहा है, देखिए इसकी टाइप आ रही है डिक। डिक का मतलब होता है डिक्शनरी, ठीक है। अब अगर मैंने डिक्शनरी का कोई वैल्यू देखना है, जैसे कि बी के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकती हूँ डी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब मैं लिखूंगी बी और स्क्वायर ब्रैकेट को मैं बंद कर दूंगी। सो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 20। यही चीज आप प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हैं। प्रिंट के अंदर आप लिखोगे, प्रिंट स्टेटमेंट आप स्टार्ट करोगे, डी लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किसी पर्टिकुलर की का नाम लिख दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट बंद एंड राउंड ब्रैकेट भी बंद, एंटर की प्रेस करोगे तो उस पर्टिकुलर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 10। तो इस तरह से आप डिक्शनरी को यूज करते हो। अगेन डिक्शनरी के ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं, उसको आप अच्छे से देखना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज ऑपरेटर, और ऑपरेटर को हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।